गुण गहन घन हर कर हर अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध सारित सहज स्वरस सुदारस धार समय सार से विसर विगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर नत वेश प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान विन दान धन ऐन हीन तन चीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते हो दंगल दूरी सब तम जो भानो दियो गुणस्थान विवेचन में चतुर्थ गुणस्थान संबंधी अपनी चर्चा चल रही है। चतुर्थ गुणस्थान जीव को कैसे प्राप्त होता है उसकी अपन ने संपूर्ण चर्चा बहुत विस्तार से की। अब यहाँ पर इसी गुणस्थान के अंतर्गत विशेष अपेक्षा विचार पर अपन को बात करना है। प्रश्न क्रमांक 123। विशेष अपेक्षा विचार में जो जो अभी तक बातें चतुर्थ गुणस्थान संबंधी आई उनमें कुछ और स्पेशल कुछ यदि और हटके कोई बात रह गई हो तो वो यहाँ पर बताते हैं जो भी गुणस्थान में है। तो यहाँ पर भी कुछ बिंदुओं के आधार से चतुर्थ गुणस्थान में कुछ बातें कही जा रही हैं। वैसे लगभग सरल ही हैं सब, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर भी पहला बिंदु अविरत सम्यक दृष्टि को विशिष्ट प्रशस्त राग के कारण ही तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध प्रारंभ होता है। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। इन 16 भावनाओं में भी मुख्य रूप से तो एक दर्शन विशुद्धि भावना ही कारण है। यह एक भावना हो और अन्य 15 भावनाएं हीनाधिक भी हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। मुख्य बात इसमें कही कि चतुर्थ गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है। सबके ही होता हो ऐसा नहीं है। कोई सोचे कि हाँ तो ये लिखा है, क्या लिखा है कि चतुर्थ गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है, हो सकता है भी नहीं लिखा, या किसी किसी को होता है ऐसा भी नहीं लिखा। तो कोई ऐसा ना सोच ले कि सबको होता ही होता है, कंपल्सरी है। यदि ऐसा होने लगा तो हर एक जीव जो चौथे गुणस्थान में आया है वो सब के सब तीर्थंकर बनेंगे, तो फिर उनसे छोटी पदी वाला तो कोई होगा ही नहीं, गणधर नहीं होंगे, आचार्य मुनिराज सब कहाँ से होंगे, सबके सब सब सबकी दिव्य ध्वनि खिरेगी और समस्या हो जाएगी। लेकिन क्या समस्या कि एक काल में तो एक ही तीर्थंकर है ना, नहीं और एक साथ दो तो तीर्थंकर होते ही नहीं। तो एक होगा जब उसका पूरा काल खत्म होगा तब दूसरे का नंबर आएगा, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएंगी।
तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि चतुर्थ गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन्हीं किन्हीं जीवों के प्रशस्त राग के कारण से, उसमें भी 16 कारण भावना, और 16 कारण भावनाओं में सर्व प्रमुख दर्शन में शुद्धि होना अनिवार्य है। उसके बाद अन्न में हीना दिखता हो सकती है। हाँ, सबसे अंत में जो कहा ना, हाँ, ऊपर से क्या है, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, तो यहां से ही है, मैन तो वही है, बाद में उसको एंड किया है वो सारी बता के, है ना, तो वो तो सबके अर्थ बता के अंत में कह दिया। इस तरह से उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन मूल में भाव ये वाला समझना है। पॉइंट नंबर 2, इस अविरत सम्यक तो गुण स्थान से, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, हाँ, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, हाँ लगातार, बनता रहता है, उसके निश्चय वगैरह आते रहते हैं। आठवें गुण स्थान में भाग कहे, नौवे में भी भाग हैं, है ना, सातवें में भी भाग हैं, है ना, तो है, और ये और अन्य ग्रंथ में मिल जाएंगे सब इनके भेद प्रभेद। ये तो तीर्थंकर प्रकृति की बात है, तीर्थंकर प्रकृति वाला कैसे मिथ्यात्व में आएगा, ये शायक सम्यक होना जरूरी है, शायद सम्यक भी हो सकता है। हाँ, चलो पॉइंट नंबर 2, इसके बीच में अपन गौण कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस अविरत सम्यक तो गुणस्थान से ही जीव को पारमार्थिक अतीन्द्रिय सुख का अंश प्रकट होता है, मन वास्तविक आनंद की प्राप्ति का अंश इसी गुणस्थान से प्रारंभ होता है। सर्विस आ रहा समझ में? वैसे आज तो मैं सोच रहा था कि वो वाली आपकी एग्जाम होगी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सोचा था ओरल ही एग्जाम आप लोगों की मैं ले लूंगा, ऐसा मन में सोच रहा था, लेकिन अभी ये पहले इसको पूरा कर लें फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है? सभी तैयार है ना, कि अभी 9 दिन में 10 दिन में हमने क्या सीखा। विपरीत श्रद्धानी अर्थात प्रथम गुणस्थान से तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान पर्यंत तीनों गुणस्थानवर्ती सर्वजीव नियम से दुखी ही हैं। पूर्व पुण्योदय के उदय से कुछ जीवों को बाह्य अनुकूल वस्तुओं के संयोग में सुख जैसा लगता है, परंतु वह सच्चा सुख नहीं है। ठीक है, पर बाद में इसी का ही विस्तार किया गया है। इसका पॉइंट नंबर 2 में मुख्य बात कौन सी है कि अतिंद्रिय पारमार्थिक सुख का अंश यहां ही प्रकट होता है चतुर्थ गुण स्थान से। पॉइंट नंबर 3, सम्यक प्राप्ति के कारण ही जीव अंतरात्मा संज्ञा को प्राप्त होता है। सम्यक तो नहीं है तो अंतरात्मा भी नहीं है। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत के सर्वजीव अंतरात्मा ही हैं। इनमें भी चौथे गुणस्थानवर्ती जीव जघन अंतरात्मा हैं, 5वें-6वें गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा हैं, और 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज उत्तम अंतरात्मा हैं। ये तो आप लोग बीतरा विज्ञान में भी, छैढ़ाला में भी सब जगह पढ़ चुके हैं। कहीं कहीं पर 2 विविध विवक्षाएं मिलती हैं, वो भी आपको पता ही होगी, है ना, पता है, है ना। अंतरात्मा में उत्तम मध्यम जघन्य जो भेद किए, तो जघन्य हो गया, है ना, यहां तो दिया है 4, है ना, और मध्यम क्या दे दिए यहां, 5वां और 6वां, और 7वें से 12वें तक उत्तम दे दिया।
इसके अलावा दूसरी वक्षा क्या मिलती है? चौथे वाला जघन और पांचवे से ग्यारहवें वाला मध्यम और बारहवें वाला उत्तम। ये वितरा विज्ञान में होगी, है ना? ये वाली दी है, हाँ, वितरा विज्ञान में जो दूसरी वाली बताई ना, वो वाली नहीं, अंतर है ना ग्यारहवें बारे में। ग्यारहवां उपशांतम है, इस अपेक्षा से उसको ही मध्यम में गिन लिया और बारहवें वाले को उत्तम में। इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कोई मध्यम अंतर आत्मा हमने किसी को नाम दे दिया, तो उसको क्या घाटा है? कोई नुकसान है? कुछ नहीं। कहने वाले को भी नुकसान नहीं हो रहा है और जो है उसको भी नुकसान नहीं हो रहा है, और ना कोई फायदा। मान लो ग्यारहवें वाले को उत्तम अंतरात्मा कह दो तो क्या बिगड़ जाएगा? मध्यम कह दो तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना? लेकिन हमें अपनी तरफ से नहीं कहना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है उसी के अनुसार ही। दो विवक्षाएं मिलती हैं तो दो विवक्षाओं के अनुसार ही कहना, मन से लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? नहीं तो कोई कह रहे जी अच्छी छूट मिल गई, अपन तो किसी को कुछ भी कहो उसको तो फर्क पढ़ नहीं रहा है और हमारा कुछ जा नहीं रहा है। ऐसी शिक्षा यहाँ पर नहीं दी गई है। वो तो दो विवक्षाएं शास्त्रों में दी हैं तो उसी विवक्षा के अनुसार अपन ने बात की है। आगे अविरत सम्यक, तो इस नाम में जो अविरत शब्द है वह अंत दीपक है, क्योंकि हाँ इसके पहले के सारे अविरत ही हैं और चौथे गुण स्थान में वो अंत हो गया, उसके ऊपर सब के सब विरत हैं। विरत का मतलब तो समझते, विरत है मतलब क्या है? इंद्रिय भोगों से त्रस स्थावर आदि की हिंसा से पंचम गुण स्थान में एक देश व्रत और फिर छठवे आदि से पूर्ण व्रत महाव्रती हो जाते हैं। तो चौथा गुण स्थान जो अविरत सम्यक तो है, इसमें जो अविरत शब्द है यह अंत दीपक है, अर्थात प्रथम गुण स्थान से लेकर चौथे अविरत गुण स्थान पर्यंत के सर्वजीव अविरत ही हैं। इनके नाम भी अपन ऐसे रख सकते हैं, अविरत मिथ्यात्व, अविरत सासाधन सम्यक और अविरत सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व से लेकर चौथे गुण स्थान पर्यंत के सर्वजीव सामान्यतया अविरत ही हैं, तथापि प्रत्येक की अविरति में महान अंतर है। अविरत तो तीनों हैं, चारों, पहले से चारों गुण स्थान वाले अविरत हैं, लेकिन अविरत होते हुए भी उनकी अलग अलग जो दूसरी क्वालिटीज हैं उन सब में अंतर है, अपन देख चुके हैं। पहले गुण स्थान वाला अविरत जो पूरा मिथ्या दृष्टि है उसकी परिणति अलग है, दूसरा वाला उससे महान है। क्यों है महान? सम्यक्तु का काल है और गारंटेड मोक्ष जाने उसका तो फिक्स हो गया। एक बार सम्यक दृष्टि हो चुका है, अतिंद्रिय आनंद ले चुका है, तो पहले की अपेक्षा तो ग्रेट ही है, उत्तम ही है, है ना? फिर ऐसे और तीसरे गुण स्थान में पहुंचो तो वहां पर भी है ना सम्यक मिथ्यात्व दोनों चीजें हैं, मिश्र परिणति। फिर चौथे वाला तो सम्यक दृष्टि है ही, इसलिए उसकी अपेक्षा से विशेषता है। पॉइंट नंबर पांच, मिथ्यात्व से रहित होने के कारण अविरत सम्यक दृष्टि को श्रद्धा की अपेक्षा दृष्टि मुक्त कहते हैं, है ना? दृष्टि मुक्त भी इनको नाम दिया गया है। श्रद्धा सम्यक हो गई इसलिए उनको दृष्टि, सच्ची दृष्टि हो गई, इस अपेक्षा से दृष्टि मुक्त नाम दिया। मुक्त के यहां पर अनेक भेद बता दिए, इसकी जरूरत है नहीं, है ना? जरूरत पढ़ चुके हैं अपन सब, है ना? दृष्टि मुक्त, अविरत मुक्त, प्रमाद मुक्त, मोह मुक्त और जीवन मुक्त, और बाद में देह मुक्त। देखो एक छठवां पॉइंट और अच्छा आया, कौन सा? भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रारंभ चौथे अविरत सम्यक्त गुण स्थान से ही होता है।
माने असली भव कौन है ना, चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि। क्या अब तो सब हो ही गई, ये हो गया तो वो तो सब अपने आप मान लो हो गई। नहीं है अच्छा, वो वहां की चर्चा के अनुसार कह रहे हैं, बराबर है। खैर अभी वो चर्चा मत छेड़ो, फिर लंबी चली जाएगी बात, है ना। अभी तो मुख्यतः से इसी की बात कर रहे हैं अपन कि भव्य जीव एकदम असली कौन, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति कहाँ, चतुर्थ गुण स्थान में एकदम पक्का। क्योंकि भव्यत्व किसे कहा, भव्य किसे कहा था, जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो, पात्रता हो, तो पात्रता हो, उस पात्रता की अभिव्यक्ति यहाँ हो गई। अपने पास पात्रता तो है, लेकिन पात्रता की जब तक अभिव्यक्ति ना हो तो पात्रता भी कितने काम की है, क्या काम की है, कोई काम की नहीं है। क्योंकि ऐसे दूरानुदूर भव्य भी अनंत हैं, उनमें भी पात्रता है, अनादिकाल से निगोद में पड़े हैं और अनंत काल तक भी निगोद में पड़े रहेंगे। और शक्ति तो सम्यक दर्शन की भी है, मोक्ष जाने की भी है, लेकिन वो पात्रता की अभिव्यक्ति ना हो तो पात्रता किस काम की। दसवीं के बाद ग्यारहवीं में उपाध्याय कनिष्ठ में एडमिशन लेने की पात्रता सब में हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती, लेकिन वो पात्रता की अभिव्यक्ति कब हो, जब यहाँ एडमिशन हो जाए, ले लें नहीं, क्योंकि ले लें तो क्या, लेने को तो लाइन लगी रहती है, लेकिन होए तभी माना जाएगा कि हाँ वो पात्रता की अभिव्यक्ति हुई। एडमिशन हो जाए तब माना जाएगा कि वो पात्रता व्यक्त हुई, वो काम की है। और यदि पात्रता व्यक्त ना हो तो दसवीं में 99% भी लाओ और यहाँ एडमिशन ना हो पाए तो क्या काम का 99, है ना। फिर ऐसे ही अपन और आगे आगे क्रम से बढ़ाते जाओ, एडमिशन हो गया फिर शास्त्री बनने की पात्रता है कि नहीं है, है। लेकिन जो बन जाएगा, जिसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा शास्त्री कंप्लीट, तभी तो उसकी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। उसके बीच वाला अभी गारंटेड नहीं है, फेल हो जाए है ना, बाई जिद बली कर दिया जाए बरी हो जाए भाई साहब, बरी बरी भाई जिद बली कि बरी ना साहब, आप बहुत महान हैं। अब यहाँ तो थोड़ा, यहाँ हम आपके सामने, आप महान जैसे, आप जैसे महान लोगों की यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती है, आप तो बहुत उच्च हैं, इसलिए आप और ऊंची जगह जाइए, बहुत सम्मानपूर्वक विदाई दे दी जाती है पहले ही से। महानता तो उसी में है, तुम तो 5 साल बाद विदाई लेने वाले हो, थर्ड ईयर पास करके, और ये कोई कोई तो पहले ही विदाई हो जाती है, है ना। तो शक्ति की, शास्त्री बनने की शक्ति व्यक्त नहीं हुई, कई लोगों का और दूसरी दिशा में मूड बदल जाता है, कोई कुछ करेगा, कोई 12th के बाद निकल गया फिर CA और MBA तो खैर बाद में ही होगी, लेकिन जो भी है दूसरी पढ़ाई के लिए निकल गया, तो उसने भी शास्त्री बनने की अभिव्यक्ति नहीं की, तो उसका कोई काम का नहीं है। तो अभिव्यक्ति होना अनिवार्य है, और अभिव्यक्ति जब तक ना हो तब तक वो शक्ति भी वास्तव में है ना सही यूजफुल नहीं है, है ना। क्योंकि ये वाला लॉजिक सबसे बढ़िया है, भव्य वाला है ना, कि भव्य जीव तो अनंत पड़े हैं, लेकिन सभी भव्य सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते, अनंत काल तक अनंत भव्य भी संसार में पड़े रहेंगे और उनके सम्यक्त्व की, उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, तो उनके भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। पिछले शिविर में थे क्या, अच्छा उसके बाद एडमिशन हुआ, अच्छा तब अभिव्यक्त हुआ यहाँ। इनका प्रश्न है तो सभी बता देंगे, पिछले शिविर में ये चर्चा ज्यादा चली थी, दूरानुदूर भव्य में और भव्य में क्या अंतर है,
अभव्य में और दूर अनुदूर भव्य में क्या अंतर है, कौन बताएगा? देखो ये सब बता रहे हैं, इस मामले में संयम से सब सीनियर हो गए, लॉस हो गया थोड़ा सा लेट आने से। चलो बोलो, अनेकांत बताएगा। थोड़ा सा रह गया, हाँ बोलो, बैठ जाओ बैठ जाओ। बराबर, एकदम सही है, उदाहरण भी अभी दिलाते हैं, है ना? ठीक है, दूरा अभव्य में तो शक्ति ही नहीं है, और सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये लोग इनके प्रश्न सुनाई नहीं दे रहे हैं, प्रश्न मैं दोहरा देता हूँ। अच्छा, मुझे अभी अभी तक मैं ये सोच रहा था कि शिविर चल रहा है, तो मैं उस हिसाब से ले रहा था, अभी मैं सोच रहा था कि अब तो पूरा हो गया। इनका प्रश्न ये है कि भव्य अभव्य में और दूरानुदूर भव्य में क्या अंतर है, क्योंकि अभव्य भी मोक्ष नहीं जाता कभी, और दूरानुदूर भव्य भी मोक्ष नहीं जाता, तो दोनों में क्या अंतर है? अभव्य में तो पात्रता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है कि वह सम्यक तो प्राप्त कर सके। दूरानुदूर भव्य में पात्रता तो है, शक्ति तो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, लेकिन फिर भी ऐसे उसको संयोग नहीं मिलेंगे, ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे जिससे वह सम्यक तो प्राप्त कर पाए। एक तो सीधा बता दिया, इसमें उदाहरण भी दिया था गौमर्सार जीवकांड में कि अभव्य को तो दिया है बांझ स्त्री का उदाहरण, और दूरानुदूर भव्य के लिए दिया है विधवा स्त्री का उदाहरण, कि बांझ स्त्री का उदाहरण देके ये बताना चाहा कि उसमें तो पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता ही नहीं है, और विधवा स्त्री का उदाहरण देके दूरानुदूर भव्य को समझाया कि उसमें योग्यता तो है तथापि उसको ऐसा संयोग नहीं मिलेगा जिसके कारण से पुत्र उत्पन्न हो सके, इसलिए विधवा स्त्री के समान दूरानुदूर भव्य को जानना चाहिए और बांझ स्त्री के समान अभव्य को जानना चाहिए, दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। हाँ, बराबर, वो तो आगे वहां देखो, सभी भगवान आत्मा हैं, ठीक है, सिद्ध समान शुद्ध है, ये बात तो अलग मैटर हो गया, लेकिन भव्यपना और अभव्यपना अलग बात हो गई, है ना? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखें, है ना, तो सभी जीव शुद्ध ही हैं, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, वहां पे भेद नहीं होगा परम शुद्ध निश्चय ऐसे। आप कहो कि नहीं नहीं नहीं, परम शुद्ध निश्चय तो भव्य में लगेगा, और वो भी निकट भव्य में लगेगा, क्योंकि वही शुद्ध होना है और वही शुद्ध होगा, और जो वो है ना 186 नंबर की गाथा समय सार की, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त, तो जो आत्मा को शुद्ध जानता है तो वो शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो आत्मा को अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है ना। तो हम सोचें कि नहीं, वो दूरानुदूर भव्य और अभव्य वो तो अशुद्ध ही है, किसी भी नए से लगा लो, ऐसा नहीं है, परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो सब शुद्ध ही है, तथापि ये भव्य अभव्य की बात अलग मैटर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया है ना, टेस्ट ले लें अब। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जो अंत अंत में आया है, चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है ना, होता ही है ना, इसमें उन्होंने प्रवचन लिए होंगे, है ना, पंडित जी साहब हेमचंद जी है, हमने आप लोगों ने यदि अच्छे से सुने हो तो, है ना, तो उन्होंने बता रहे थे कि वो ऐसा प्रकरण लेने वाले हैं रात प्रवचन सार में, जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा है। कई लोगों को ये लगता है, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा होती ना अलग अलग तरीके की, होता है नहीं होता है क्या है, तो प्रमाण भी
एकदम स्पष्ट आप प्रवचन सार की 80वीं गाथा देखेंगे वहां स्पष्ट लिखा है कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है। इस भाषा में नहीं, दूसरी भाषा में, वो भाषा बता देता हूं जो अपन लोगों को कई बार बताने में वो आता है कि डायरेक्ट ऐसा लिखा नहीं मिलता है तो होता नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन वहां पर लिखा है कि मोहादि का क्षय शुद्ध उपयोग से होता है। किसका? मोहादि का क्षय शुद्ध उपयोग से होता है। और फिर वहां खुलासा किया कि मोह शब्देन अत्र दर्शन मोहो गृह्यते, मोह शब्द से यहां पर दर्शन मोह ग्रहण करना चाहिए। तो इसका मतलब बात एकदम साफ साफ सिद्ध हो जाती है कि दर्शन मोह का अभाव शुद्ध उपयोग से होता है, और दर्शन मोह का अभाव चौथे गुण स्थान में होता है, और जब चौथे गुण स्थान में दर्शन मोह का अभाव होगा तो शुद्ध उपयोग से ही होगा। इस अपेक्षा से बात स्पष्ट हो जाती कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है। ये एक प्रमाण बताया, ऐसे और भी प्रमाण हैं। आप यदि वो देखेंगे, ये जो डॉक्टर लीलावती जैन है ना, है ना, हाँ पूना, हाँ वो संपादिक धर्ममंगल, बहुत बढ़िया धर्ममंगल किताब, उसका जो पहला जो छपा होगा यहाँ पे भी होगा, है ना, वो पुस्तक, तो उसमें इसी संबंध में बहुत चर्चाएं हैं, है ना, अपने ब्रह्मचारी हेमचंद जी हेम, उन्होंने उनकी, और अपने पंडित जी साहब रतन लाल जी बेनाडा, अब दोनों ने आपस में बहुत पत्र व्यवहार किया, बहुत उस पर चर्चा हुई कि होता है कि नहीं होता, क्या होता है, आपको और डिटेल में अच्छे से जानना हो तो उसमें आपको बहुत स्पष्ट मिल जाएगा कि वास्तव में चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है, बहुत विस्तार से सिद्धि की। वेनाडा जी बोलते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता है। अरे नहीं, वो कहते हैं आत्मानुभूति भी नहीं होती है, शुद्ध उपयोग नहीं होता है, है ना, चारित्र भी नहीं, तो आत्मविश्वास मात्र होता है, है ना, और शुभ उपयोगी होता है, ऐसे उद्धरण निकाल के दिखाते हैं। खैर, अपन को बहुत सारी बातें, खैर अपन को ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अनेक जगह पर, अनेक स्थलों पर सब प्रमाण सिद्धि हुई है कि चतुर्थ गुण स्थान में भी शुद्ध उपयोग है, है ना, किसी को अपन को, किसी की अपन को निंदा नहीं करना है। नहीं, अपन तो वस्तु स्वरूप मूल आगम प्रमाण से जान लिया और अपन निर्णय करके अपन प्रसन्न रहे, बस। वस्तु स्वरूप में ये भी है कि हम किसी में, किसी व्यक्तिगत छेड़छाड़ ना करें, जिसकी जो मान्यता हो वो मानता रहे, मोक्ष हमें जाना है, और उनको भी ले चलना हो जिसको, तो है ना, तो करें। इसलिए अपन समझते हुए और अपने जो वस्तु स्वरूप है उसको अपन स्पष्ट जाने, और हमें तो अपना कल्याण करना है, इस दृष्टि से देखें। और जो इसमें सोधी खोजी हैं जो विद्यार्थी, उनको हिंट कर दी कि आपको बहुत सारे तर्क वितर्क पूर्वक प्रमाण चाहिए हो तो उसमें से आप जरूर देखें, अच्छे से अध्ययन करें, बहुत मजा आएगा। धर्ममंगल है प्रथम, छोटी पतली सी किताब है ना, यहाँ देख लेना, नहीं होंगी तो वहाँ ध्रुवधाम में तो बहुत रखी ढेरों, वहीं से छपी थी, है ना, नहीं तो वहां से हम जैसे ही मंगवा लेंगे, पढ़ लेना। और हाँ, चलिए, इस तरह से अपन ने चौथे गुण स्थान की चर्चा की। अब ओरल टेस्ट ले लेते हैं, है ना, आप लोगों का भी और जो अन्य श्रोतागण हैं उनसे ऑप्शनल और आपसे कंपलसरी, ठीक है, चलो। तो सभी तैयार हैं? हाँ, आप तो बुक भी ओपन कर लोगे तो वो, है ना, हो सकता है कि जो हमने बताया वो नहीं मिलेगा, है ना, बहुत सारी चीजें, क्योंकि जनरली इस बार तो हम बुक को बंद करके ही रखे रहे और वो वैसे ही चलता रहा विषय,
चलिए चलो, अब तो पलट गई कॉपियां सब, ऐसे याद होगा सब क्यों एकांत है। चलो पहला प्रश्न, औपशमिक सम्यक्त्व के कितने भेद हैं? औपशमिक सम्यक्त्व के कितने भेद हैं? चलो हाँ भाभी जी, आप सबसे पीछे, दो भेद हैं आपने कहा, दो उधर दे दो माइक, अभी दो चार प्रश्न वहीं वहीं से पूछते हैं। भेद है औपशमिक सम्यक, औपशमिक चारित्र। नहीं नहीं नहीं, औपशमिक सम्यक तो कि आपने उधर दो कह दिए, दो में कौन कौन से, तो ये वाले नहीं है। हाँ आप बोलिए। प्रथमोपशम सम्यक, द्वितीयोपशम सम्यक। बहुत बढ़िया, बराबर है, प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक। अब मेरा अगला प्रश्न है, प्रथमोपशम सम्यक कैसे होता है और द्वितीयोपशम सम्यक कैसे होता है? आपने, हाँ और कोई? हाँ आप बताइए। दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय के अनंत अनुबंधी की क्रोध मन माया लोभ के उपशम से जो सम्यक्त होता है प्रथम बार, वो प्रथम उपशम सम्यक्त, बराबर। और द्वितीय उपशम सम्यक्त मिथ्यात्व के जो ऑप्शन दर्शन मोहनीय के जो तीन टुकड़े किए थे, वो तीन टुकड़े दो रूप हो जाते हैं, मतलब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों एक हो जाते हैं और सम्यक प्रकृति एक हो जाती है, उसके उदय होने पर जो सम्यक होता है वो द्वितीय उपशम सम्यक। नहीं, द्वितीय उपशम वाला नहीं आ पाया, ये वहां पीछे कैसे पहुंच गया? अच्छा माइक लेके, मैंने तो पता ही नहीं चला कि पीछे कैसे पहुंचे। हाँ कहाँ थे? अच्छा चलिए, और कोई? चलो आपको दे दो फिर। हाँ, छठे सातवें गुण स्थान में जब जीव रहता है तब वहां वेदक के साथ सम्यक प्रकृति को वो फिर से तीन करण परिणाम, पहले तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करके तीन प्रकरण करके वहां जो सम्यक प्रकृति को उपशमाता है और वहां जो सम्यक को प्राप्त करते हैं उसको द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। पहले कौन सा सम्यक तो था अभी? वेदक शायव सम्यक सम्यक, ठीक है, और शायव सम्यक सम्यक तो छठे सातवें में अभी तो सीधी परिभाषा गुलिस्तान की बात ना करते हुए। हाँ। शायोसमिक सम्यक्त्व पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है वह द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है, है ना? पर वहाँ भी दर्शन मोह का ही उपशम है। हाँ बराबर है। अब मेरा एक प्रश्न और था। हाँ अभी तो मैं परीक्षा ले रहा हूँ। नहीं मेरा प्रश्न, चलो हाँ चाहिए मुझे। हाँ पंचम काल से जीव सम्यक्त्व के साथ मरण को प्राप्त हो सकता है या नहीं? आपका प्रश्न है पंचम काल से जीव मरण को प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सम्यक्त्व सहित हो सकता है, सम्यक्त्व सहित यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन मरण होने में कोई बाधा नहीं है। हाँ स्वर्ग आदि में जो जाएंगे बहुत से जीव, मिथ्या दृष्टि भी जाएंगे और सम्यक्त्व सहित भी जाएंगे, है ना? शायव समय सम्यक्त्व सहित, शायक तो होना नहीं है ना, और औपशमिक तो छूट ही जाता है, है ना? प्रथम उपशम के साथ मरण होता नहीं, द्वितीय उपशम किसी को होना नहीं है, शायक सम्यक तो होना नहीं है, एक ही बेचारा बचा, कौन सा? फिर से बोल देता हूं, है ना, लॉजिक सहित, द्वितीय उपशम तो कभी पंचम काल में द्वितीय उपशम होगा नहीं, एक पॉइंट, क्योंकि वो तो श्रेणी के उद्देश्य से होता है, एक बात। दूसरा, शायक सम्यक तो हो गई नहीं, हो ही नहीं सकता है, दो चले गए। प्रथमोपशम सम्यक्त में मरण होता नहीं इसलिए तीन चले गए, अब बचा एक शायोसमिक सम्यक्त, है ना, वो प्राप्त करके फिर यहां से मरण करके जा सकते हैं। चलो
द्वितीय उपशम सम्यक्त। चलिए फिर से बता देता हूँ, द्वितीय उपशम सम्यक्त जिन मुनिराजों के शायोसमिक सम्यक्त है और उनको अब श्रेणी चढ़ना हो, है ना, कौन सी श्रेणी, कोई भी श्रेणी, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सी श्रेणी, उपशम श्रेणी, यदि उपशम श्रेणी चढ़ना है तो वो क्षायोसमिक सम्यक्त से द्वितीय उपशम सम्यक्त करते हैं, माने वो अनंतानुबंधी और वो सब तीनों प्रकृतियों का उपशम करते हुए, हाँ शायक सम्यक दर्शन करके भी बराबर कौन सा उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, शायक सम्यक्त से भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं और द्वितीय उपशम से भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, है ना। उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए दोनों सम्यक्त में से कोई भी हो तो समस्या नहीं है, लेकिन शपक श्रेणी चढ़ना हो तो शायक सम्यक्त ही चाहिए। तो अभी हाँ कर सकता है, द्वितीय उपशम ना करे, सीधा शायक सम्यक तो करे, उपशम श्रेणी भी चढ़ जाए या शपक श्रेणी भी चढ़ जाए, तो यहां तो अपन उसकी बात कर रहे हैं द्वितीय उपशम सम्यक्त की। द्वितीय उपशम सम्यक्त माने शायोसमिक का अभाव करते हुए कौन सा सम्यक्त प्राप्त किया, औपशमिक, तो उसी का नाम हो जाएगा द्वितीय उपशम सम्यक्त। अच्छा, ये कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम, प्रथम उपशम पहले का अभाव करता हुआ सीधा चौथे में, पांचे में अथवा सातवें में, तीन जगह है ना, पहले गुण स्थान का अभाव करता हुआ, इसकी प्रोसेस ये है। और द्वितीय उपशम की अच्छा ये बताओ द्वितीय उपशम सम्यक तो कौन से गुण स्थान में होता है, पक्का है कि कच्चा है, कैसे, हाँ ठीक है, अच्छा माने श्रेणी चढ़ने के लिए होगा इसलिए नेचुरली सातवें में ही होना चाहिए, चाहिए लगा दिया कि होता ही है क्या, हाँ हाँ साती सह में तो तैयारी होती है, आधाकरण परिणाम होते हैं वहाँ, हाँ बराबर, सातवें के दो भाग हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और साती सह प्रमत्त, हाँ हाँ माइक दे दो, माइक ये उपशम के पहले के जो परिणाम होते हैं अधकरण और पूर्वकरण निवृत्त का, वो परिणाम का डिटेल सुनना है प्लीज। अधकरण ये परिणाम का डिटेल तो अपन, आप अभी शिविर में पूरे नहीं थे ना, हमने बहुत डिटेल में चर्चा इसकी की है, यद्यपि वो अधाकरण अपूर्वकरण अनवृत्तिकरण इन तीन करण परिणामों की चर्चा अपन ने की है वो मिथ्यात्व गुण स्थान में जो अधाकरण आदि परिणाम होते हैं करण लब्धि में उनकी अपेक्षा, और जब यही तीनों करण परिणाम श्रेणी चढ़ने के लिए भी होते हैं, है ना, है ना, वो तो बहुत लंबा है, मैं बताऊंगा तो वो तो बहुत चर्चा हो, या तो सीडी में से सुन लेंगे या फिर यहाँ चर्चा करके, क्योंकि अभी 10-15 मिनट बचे हैं। अच्छा नहीं तो सीडी ले जाएंगे तो वहाँ नहीं सुन सकते, क्योंकि 2-3 दिन हमने बहुत लंबा चलाया है और वो शॉर्टकट में नहीं हो सकता, हाँ हाँ लंबी प्रक्रिया है, आप उसमें से आप ले ले बें और आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, हाँ चलो चलो 2 मिनट में बता देता हूँ, हाँ ठीक, दो जगह होते हैं, बात तो क्लियर हो गई, यहाँ मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए और वहाँ श्रेणी चढ़ते समय चारित्र मोहिनी का अभाव करने के लिए। सुनो
तो ये दोनों में अंतर आ गया, यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भाव करने के लिए, और वहां पर है ना श्रेणी चढ़ने और चारित्र मोहिनी का पूरा भाव करने के लिए वहां पर होती हैं, साथ ही सह प्रमत्त में, आठवें में और नौवे में। तो ये अधाकरण आदि जो परिणाम हैं, अधाकरण एक पर्सनल व्यक्ति की व्यक्तिगत तरफ से देखें तो अधाकरण परिणामों में जीव के विशुद्ध परिणाम होते हैं, और अपूर्व करण में और भी विशुद्ध हो जाते हैं, इतने विशुद्ध कि ऐसे परिणाम पहले कभी नहीं हुए, अपूर्व अपूर्व होते हैं, और वे अनिवृत्तीकरण में और विशुद्ध हो जाते हैं। तो विशुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है, और अनिवृत्तीकरण का काल जब पूरा हो जाता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बराबर, सात तत्व नौ पदार्थों का चिंतवन, तत्व का चिंतवन चलता हुआ, और फिर धीरे धीरे उपयोग आत्म सन्मुख होता चला जाता है, उसके बल पर एक विशुद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है, और अनिवृत्तीकरण का काल पूरा हुआ और सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और वहां श्रेणी में अधाकरण हुए, अपूर्वकरण हुए, अनिवृत्तीकरण हुए, वहां तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती चली जा रही है ना, कर्मों का या तो उपशम होता जा रहा है या क्षय होता चला जा रहा है ना, सबका काल अंतर अंतर मुहूर्त है, अधाकरण का काल भी अंतर मुहूर्त, अपूर्वकरण का काल भी अंतर मुहूर्त, अनिवृत्तीकरण का काल भी अंतर मुहूर्त है, और तीनों का मिलाकर भी अंतर मुहूर्त है। ठीक है, चलो अब अपनी बात चल रही थी द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम सम्यक कौन से गुण स्थान प्राप्त होता है, मेरा प्रश्न था। देखो एक विवक्षा ऐसी जरूर मिलती है सामान्य रूप से कि सातवें गुण स्थान में होता है, लेकिन और भी आगम ग्रंथों में यदि गहराई से देखें तो चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक, चौथे पांचवें छठवें सातवें, इन चारों गुण स्थान द्वितीय उपशम सम्यक उत्पन्न, बराबर उत्पन्न ही हो सकता है। अभी तक क्या विवक्षा चल रही थी या जो सुनने में था सबके, कैसा था कि सातवें में उत्पन्न होगा और उतरते समय वो श्रेणी चढ़ गया फिर इधर नीचे आया, तो गिरते समय चौथे में भी आ सकता है। अभी तक ये विवक्षा चलती थी, लेकिन आगम ग्रंथों में ऐसा भी मिला है शास्त्रों में कि चौथे पांचवें छठवें सातवें इनमें उत्पन्न भी हो सकता है ना। हाँ, उसमें तो कोई समस्या नहीं, शायक सम्यक्त में तो समस्या है ही नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक्त भी चौथे पांचवें छठवें सातवें इन चारों गुण स्थान में उत्पत्ति की अपेक्षा से भी लिया गया है। शायक सम्यक सम्यक दृष्टि तो थे ही पहले से, बस तो समस्या नहीं, वो तो होना जरूरी है, द्रव्य लिंगी मुराज नहीं होंगे तो कैसे काम बनेगा, द्रव्य लिंगी होना तो जरूरी है ही, शायद उस समय सम्यक दृष्टि होना जरूरी है ही, तभी उसी के बाद तो, क्योंकि श्रेणी चढ़ने की जो पात्रता है वो किस में आएगी, श्रावक में आएगी क्या, श्रावक में तो आएगी नहीं, द्रव्य लिंगी मुराज होंगे, शायद उस समय सम्यक दृष्टि होंगे, चौथे गुण स्थान वर्ती चतुर्थ गुण स्थान वर्ती द्रव्य लिंगी मुराज हो, शायद उस समय सम्यक दृष्टि हो, वो मुनिराज शायोपशमिक से द्वितीयोपशम सम्यक तो चौथे गुण स्थान में भी ले सकते हैं, पांचवे में, डायरेक्ट नहीं, सातवें में पहुंचे स्वस्थान, स्वस्थान में, और स्वस्थान और छठवें में तो हजारों बार झूलते हैं, और उसके बाद साती सह में जाके और फिर श्रेणी चढ़ जाते हैं, इस तरह का क्रम है। चलो मेरी ही परीक्षा हो रही है, लेकिन अभी गड़बड़ तो यह है, मुझे परीक्षा लेना थी, चलो हाँ ना ठीक है कोई बात नहीं, आगे प्रश्न पूछें। प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए अपन ने 10 पात्रताओं की चर्चा की थी है ना, वो कौन बता सकता है, 10 की 10 क्रम सा ही बताना पड़ेगी तभी तो ज्यादा मजा आएगा, चलो बोलो देख के क्या बता दो, तो कक्षा पहली का आदमी बता देगा, देख के तो कोई विशेषता हुई क्या, चलो बोलो क्रम सा ही बताना है, हाँ सेट ही है वो तो, किसके बाद क्या, पहला
हाँ माइक से बोलो। हाँ चारों गतियों में हो सकता है, एक पॉइंट। दूसरा भव्य होना आवश्यक है, भव्य को ही होगा, भव्य को ही होगा। तीसरा भव्य होने के साथ साथ संगी पंचेंद्रिय नहीं, अभी और पहले उसके एक पॉइंट छूट गया। हाँ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को ही होगा, तीन पॉइंट। संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय को ही होगा। पर्याप्तक, पर्याप्तक के ही होगा। उसके बाद विशुद्ध परिणामों के हाँ, उसके बाद गर्भज, गर्भज, गर्भज भी मनुष्य और त्रियंश गति की, मनुष्य त्रियंश के लिए गर्भज। उसके बाद विशुद्ध परिणामों के साथ होगा तभी होगा, विशुद्ध मंद कषाय, मंद कषाय, मंद कषाय विशुद्धता का धारी, मतलब शुभ लेश्य वाले की। शुभ, शुभ लेश्य, चलो हाँ चलो हाँ आगे। उसके बाद जिस एक और पात्रता ये थी कि जिसका साकार उपयोग होना चाहिए, उसके पहले एक और, हाँ जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में ही होगा, साकार उपयोग वाले को, साकार ज्ञान उपयोगी को ही होगा, साकार ज्ञान उपयोग वाले को। और उसके बाद जिसका संसार का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहेगा उसको ही होगा। चलो ये तो इन्हें नया जोड़ दिया एक, चलो एक और बचा, और एक पांच लब्धियों पूर्वक ही होगा, मतलब ये पंच लब्धि होना आवश्यक है। अच्छा ये जो बोलते हो ना अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल, इसको किंचित न्यू नहीं लगेगा इधर, या अर्ध पुद्गल परावर्तन लगेगा, सम्यक्त्व के लिए पात्रता बता रहा ना, होने के बाद किंचित न्यून है, होने के पहले नहीं। और दूसरा यहाँ पर जो बोलने में ये सावधानी रखना है कि जिसका संसार अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन हो वो उसके अंदर आएगा, उससे ज्यादा हो तो नहीं, और कम में तो कितना भी हो सकता है कम। हाँ और अंतिम पॉइंट क्या था? अंतिम ये कि पांचों लब्धि होना आवश्यक है। हाँ, सम्यक के लिए बहुत बढ़िया, बराबर पांचों लब्धियां होना अनिवार्य है ना। चलो अगला प्रश्न, मोक्ष के लिए तीनों सम्यक्त में से कितने सम्यक्त होना अनिवार्य हैं? चलो बोलो, माइक इधर दो। हाँ हाँ तीनों अनिवार्य, तीनों अनिवार्य हैं। अब तीनों में से तीनों एक साथ नहीं, तीनों अलग अलग होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, एक भी कम होगा तो भी मोक्ष नहीं होगा, कि तीनों अनिवार्य। चलो तीनों में से एक भी कम होगा तो मोक्ष नहीं होगा, मतलब तीनों होंगे अलग अलग होंगे और तीनों में से एक भी कम होगा तो काम नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, अब पीछे दे दो माइक। चलो अब तीनों होंगे तो उनका क्रम क्या है? कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन तीनों जब कंपल्सरी कहे हैं, तीनों एक साथ नहीं होंगे, तीनों एक साथ नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे तो बता दिया, मैंने पूछा है क्रम, क्रम नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, उपाध्याय वरिष्ठ से बताने दो। पहले औपशमिक सम्यक्त होगा, फिर छाया औपशमिक सम्यक्त होगा, तो उसके बाद कृत कृत्य वेदक होगा, तो उसके बाद छाई, मतलब ठीक है और एक्स्ट्रा बता दिया, पहले औपशमिक, फिर छाया औपशमिक, और उसके बाद कृत कृत्य वेदक है ना, कृत कृत्य वेदक और छायक, ये तो बीच में ऐड कर दिया, बाकी अपन जैसे तीन की बात करते हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक और फिर क्षायक। अब मेरा प्रश्न ये है कि तीनों इसी क्रम से ही हों ऐसा क्यों? आगे पीछे जैसे कहते हो ना आप लोग, आगे पीछे बोलते तो चलेगा, बोलने में सब चल जाएगा लेकिन होने में नहीं चलेगा, क्योंकि होंगे तो इसी क्रम से, लेकिन इसी क्रम से क्यों होंगे? चलो हाँ, ये क्या नाम है, नाम बता दो जरा, अपना नाम तो याद कर ही नहीं पाए सबके, शुभांशु कोटा, चलो क्रमी ऐसा, वाह माइक से बोलते ज्यादा मजा आता सबको, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इनका क्रम क्यों ऐसा है तो बता रहा क्रम ही ऐसा है, अहेतुवाद आगम है, इसमें कोई तर्क नहीं चलता है, है? चलो दूसरे को दो फिर, दूसरा यदि कोई बता सकता हो तर्क।
हाँ चलो प्रतीक बोलो। सर्वप्रथम मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये औपसम्यक सम्यक्त में होते हैं। फिर उसके बाद क्षयोपसम्यक सम्यक्त होता है, तो उसमें सम्यक प्रकृति उदय मतलब सबसे ऊपर रहते हुए अन्य जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व हैं उन दोनों को उदय में आके उनके निषेक निकल जाते हैं। तो इस प्रकार क्षयोपसम्यक सम्यक्त में मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। और थोड़ा सा मजा कम आ रहा है। अच्छा आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। औपसम्यक का तो बता दिया, पहले औपसम्यक होगा। हाँ, लेकिन इसमें हर एक में थोड़ा स्पष्ट कर दिया, औपसम्यक होना क्यों जरूरी, फिर क्षयोपसम्यक होना क्यों जरूरी, फिर क्षयोपसम्यक होना क्यों जरूरी। औपसम्यक में मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, अनंतान दर्शन मोहिनी का अभाव हो जाता है और अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। नहीं, ये तर्क नहीं है। एक बात तो सही है, लेकिन हमें चाहिए तर्क, लॉजिक, कि पहले औपसम्यक सम्यक तो करना क्यों जरूरी है, उसके पीछे कुछ रहस्य है, सीक्रेट है, वो आपको सबके सामने बताना है। चलो कोई बात नहीं, आप बताएंगे क्या, आपको माइक दीजिए। औपसम्यक सम्यक से धर्म की शुरुआत होती है, इसलिए सबसे पहले औपसम्यक सम्यक होता है। चलो आपने जो बताया वो भी सही है, औपसम्यक सम्यक से धर्म की शुरुआत होती है, ये बात तो सही है, और है उसी से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसी से चलो मोक्ष मार्ग की भी शुरुआत होती है, ये भी सही है, और सुख की शुरुआत होती है, ये भी सही है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, अंतरात्मा भी यहीं से शुरू होता है, प्रथम सीढ़ी भी यहीं से, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति भी यहीं से होती है, ये भी सही है, शुद्ध उपयोग यहीं से होता है, ये भी सही है। हाँ, ये होते ही किंचित संसार, ज्यादा से ज्यादा किंचित न्यून, अर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है, ये भी सही है ना। लेकिन मुझे जो सही चाहिए वो सही नहीं है, है ना, आप बताएंगे क्या। अरे क्या बात है, दीजिए भाई। उसका अभाव भी नहीं कर सकेंगे तो दर्शन ऑप्शन एक आपका कहना ही है, ऑप्शन के लिए उसमें दबाना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन ऑप्शन करना पड़ेगा तीन प्रकृति का। तो तीन कब थी, दर्शन मोह की, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, ये तीन टुकड़े दर्शन मोह के। तो तीन पहले से थे क्या, पहले से तो दर्शन पहले एक था, टुकड़े करना पड़ते उसको। हाँ ये बात अब आपने बात कही, यहाँ बात यही करना है। हाँ ये वाली बात अभी। अच्छा ये टुकड़े क्यों किए, टुकड़े अगर नहीं करें तो उसमें उसको जीत नहीं सकेंगे, इसलिए टुकड़े करना जरूरी, उसको उसकी शक्ति कम हो जाती टुकड़े करने। यदि एक होगा है ना तो पावरफुल होगा है ना, तो उसको कमजोर करने के लिए डिवाइड कर दो है ना, डिवाइड एंड डिवाइड करने पर उसकी शक्ति कम हो जाती है, और कम होने के बाद अब उससे फाइट करना और आसान हो जाता है, उसको जीतना और आसान हो जाता है, ये उसके लिए लॉजिक है। अब आगे, अब मेरा प्रश्न इसके आगे और है, ये तीन टुकड़े हो गए और है। हाँ और पॉइंट क्या है, तो इससे बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं ना अपन, ये हमेशा याद रहेगा है ना। माइक दे दो, मंथन को दे दो, चलो। हाँ देखो एक सेकंड, आपका प्रश्न है सुनिए, आपका कहना है कि इसको भाव की तरफ से बताओ, टुकड़ा करना, किसका करना, क्या करना, हमें दिखते नहीं तो कैसे करें, कुल्हाड़ी से करें कि तलवार से करें है कि हाथ से ही तोड़ दें है ना। बस ये अपन सब चर्चा कर चुके हैं, असली काम तो परिणाम का ही है, जीव तो मात्र अपना परिणाम ही सुधार सकता है। हम ये दर्शन मोहिनी के टुकड़े हम करना हमारे हाथ में नहीं है, ना हम कर सकते हैं
ना एक पर्सन ना इधर कर सकते ना उधर कर सकते। जीव तो अपने स्वरूप को जानता है और दर्शन मोहिनी के तीन भेद अपने आप हो जाते हैं। हमें करना पड़ते हो ऐसा नहीं है, हम कर सकते हो ऐसा भी नहीं है। बस अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में लगाना है और ये काम अपने आप ही सहज रूप से होता जाता है। हाँ जी बोलो। हेलो, हमारा मूल काम था कर्मों का मिथ्यात्व का पूरी तरह से क्षय करना, दर्शन मोहन का। ठीक है, तो अब क्षय करना है तो अब जो कर्म बंध चुके हैं, मिथ्यात्व के कर्म पहले हमने बांध रखे हैं, अब जब बंध चुके हैं तो वो सत्ता में से अपने आप तो कहीं गायब नहीं हो जाएंगे। अगर उनका क्षय करना है तो वो उदय में आके क्षय करेंगे। यदि उस मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप से उदय आने लगे तो उससे हमें मिथ्यात्व परिणाम होगा और उससे पुनः मिथ्यात्व का बंध होगा। इसलिए जरूरी है कि उस मिथ्यात्व का किसी अन्य प्रकृति रूप, जैसे कि अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होके फिर उदय में आने लगे। अब इसके लिए आपके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होना जरूरी है। अब औपशमिक सम्यक तो जब तक नहीं होगा तब तक इस मिथ्यात्व के तीन टुकड़े नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो इसलिए औपशमिक सम्यक्त में पहले इस मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाएंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब आगे क्षायोपशमिक में जब वो क्षायिक में परिवर्तित होने वाला होगा तभी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होंगे और वो सम्यक प्रकृति रूप उदय में आते आते खिरते जाएंगे और क्षय को प्राप्त होंगे। इसलिए इसमें देखो तीन टुकड़े हुए थे तो तीन टुकड़े तो तीनों दबे हुए थे, है ना, लेकिन दबे हुए का अभाव नहीं कर सकते। अब हाँ, ये सत्ता में दबे हुए रहेंगे तो इनका भी जब तक उदय नहीं आएगा तब तक ही इनका नाश नहीं कर पाएंगे। हाँ। इसलिए इनमें से फिर सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तथा मिथ्यात्व तथा सम्यक मिथ्यात्व का वर्तमान कालीन स्पर्धकों का सदा उदयाभाविक क्षय तथा भविष्य में आने योग्य स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का देशघाती रूप से उदय। इस तरह उसका उदय आते आते सम्यक प्रकृति का उदय आते आते फिर जो सत्ता में उपशम में रहे हुए मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। कठिन सा कर रहे हो, सही बोल रहे हो लेकिन कठिन सा हो रहा है। मुझे एकदम सरल भाषा में चाहिए। तीन टुकड़े हो गए थे, अब दबे हुए थे, इनको तीनों को ऐसे नष्ट तो किया नहीं जा सकता, इसलिए क्या करें, हाँ हाँ, एक को उदय में ले आओ और वो रास्ता बना दो नष्ट करने का। तो सम्यक प्रकृति को लाए और फिर उस रास्ते से मिथ्यात्व को इधर खिसकाया सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति में, उसका आया उदय, उदय आके हो गया क्षय, तो हो गया शायद सम्यक। चलो बैठो, अब अगला प्रश्न। औपशमिक सम्यक्त का काल कितना, हाँ औपशमिक, हाँ विकेश, चलो ये तो सरल है, अंतर्मूर्त जघन्य अंतर्मूर्त और संख्यात गुणा जघन्य से संख्यात गुणा उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, है ना। शावसमिक सम्यक तो का जघन्य और उत्कृष्ट 66 सागर, शायक सम्यक्त का सादी अनंत। चलो इस तरह से ये चर्चा की और इसमें तो बहुत सारा है ही, गुणस्थान की अपेक्षा से भी, है ना, उनका काल अपन ने देखा, है ना, मनुष्य आदि गतियों की अपेक्षा से भी अपन ने उनका काल देखा, फिर बाद में उनका गमनागमन भी देखा, है ना, गमनागमन के बाद, है ना, विशेष अपेक्षा विचार भी देखा, सब तरफ से अपन ने सम्यक दर्शन के बारे में समझा, है ना, लब्धियों से भी देखा। बस 2-5 मिनट में पूरा करते हैं। बस अपन को इसमें मुख्य बात ये ध्यान रखना है कि अपन बात कर्मों की तरफ से कर रहे हैं, सारी बात सुनो, सारी बात कर्मों की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म में कुछ करना हमारा कर्तव्य नहीं है, है ना। ऋणियमेण जम कज्जम तम नियमम नाण दंसन चरितम, नियम सार की गाथा है ना, कि नियम से करने योग्य तो दर्शन ज्ञान चारित्र, और वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी क्या करना, उनके पीछे भी क्या पढ़ना,
हम तो अपने पीछे पड़े, है ना, अपन अपने पीछे आए तो सारे लोग अपने अपने आप पीछे चले जाएं, है ना। तो हम तो अपने आप को, जैसे कहते ना, स्वयं की योग्यता हो तो सब कुछ अपने आप हमारे पीछे पीछे चला आता है, लेकिन योग्यता ना हो और हम किसी के पीछे जाएं तो वो चीज़ और दूर भागती चली जाती है। शेर की योग्यता आ गई थी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, तो उसको किसी जगह कहीं टोडन स्मारक में एडमिशन नहीं लेना पड़ा, है ना। तो कहाँ एडमिशन लिया, जंगल ही में था, और जंगल में रहते हुए कहाँ से ऊपर से चारण रिधिधारी मुनिराज आए और कहे, उसको समझाया, संबोधित किया और उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। योग्यता जाए, ऐसे ही हमारी भी योग्यता हो, योग्यता के साथ पुरुषार्थ हों, पांचों समवाय मिलें तो हमारा काम हो जाए। लेकिन मुख्यतः से पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है कि बस हमें तो एक ही काम करना है कि अपने परिणामों को सुधारना है, मान्यता को सही करना है, मिथ्यात्व का अभाव करना है, इस भाषा में कहते हैं, और सीधा शुद्ध आत्मा को जानना है। इतना हमारा कर्तव्य है, बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलो बस, तो अपनी एक कक्षा पूर्ण हो रही है, आप लोग बस इतना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, डिसिप्लिन को थोड़ा सा, है ना, अच्छे से रखना। थोड़ा सा बीच बीच में गड़बड़ होता रहा, मन में तो आता था कहूँ, लेकिन बीच सवेर में कहना अच्छा नहीं लगता है, है ना, क्योंकि जो जो दो चार चीज़ें दिखी डिस्टर्ब सी, है ना, वो तो पता नहीं, यहाँ से बहुत विशेष प्रेम है, राग है, तो तुम लोगों की गलतियाँ भी अच्छी लगती हैं, है एक अपने आप। अब इतने साल स्मारक में रहे, 13-13 साल, है ना, तुम लोगों तो 5 साल में शास्त्री करोगे, हमने 13 साल यहाँ पर रहे, 5 साल शास्त्री करके 8 साल